हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम अध्याय दो की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और बाएं पक्ष में लिखा हुआ है 2 गुणा टेन इनवर्स कॉस एक्स और दाएं पक्ष में लिखा हुआ है टेन इनवर्स 2 कॉस एक्स। तो देखिए, यहां पर हमको बोला गया है समीकरण को हल करना है, अर्थात हमें इस समीकरण में चर पदों का मान निकालना है और चरपद हमारे पास इस समीकरण में x है, अर्थात हमें x का मान इस प्रश्न में निकालना है। चलिए, तो अब देखिए हम कैसे हल कर सकते हैं इसे। तो आपने इसी अध्याय में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x आएगा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो देखिए, यहां पर ध्यान रखना था कि एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए। तो आप देखिए, cos x का यदि मैं होल स्क्वायर करूंगा तो वो 1 से छोटा ही आएगा। तो यहां पर बाएं पक्ष को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 2 cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x, और देखिए दाएं पक्ष में आपके पास लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cos x। तो आपने ये तो लिख दिया। अब यहां से ये देखिए कि tan इनवर्स के अंदर यहां पर एक पद लिखा हुआ है और tan इनवर्स के अंदर ही यहां पर लिखा है। अगर आप तुलना करोगे तो आपको मिलेगा 2 cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर 2 cos x, अर्थात जो अंदर वाले पद थे वो बराबर हो जाएंगे। तो यहां से देखिए, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब ये cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x, त्रिकोणमिति में आपने एक सर्वसमिका पढ़ी थी, ये अपने पास हो जाएगी sin स्क्वायर x के बराबर, और यहां से ये अपने पास cos x हो जाएगा। तो देखिए, आपने ये भी अभी कर दिया। अब यहां से आप देखिए कि cos x बराबर, यहां से अपने पास sin स्क्वायर x को मैं sin x गुणा sin x लिख सकता हूं और cos x को मैं 1 बटे sin x लिख सकता हूं। तो देखिए, sin x से sin x आपने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बचा केवल cos x बराबर sin x। तो यहां से आपके पास ध्यान रखना है कि sin x कभी 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0 यदि हो गया sin x तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब मैं sin x से भाग भी दे देता हूं दोनों पक्षों में, तो अपने पास tan x बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां से अपने पास x बराबर tan इनवर्स 1 हो जाएगा और वो आप जानते हैं पाई बटे 4 के बराबर आएगा। इस तरीके से x का मान पाई बटे 4 आएगा और हमको समीकरण हल करना था, अर्थात इस प्रश्न में x का मान निकालना था। चलिए, अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 14 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और यहां पर दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x बराबर 1 बटे 2 गुणा tan इनवर्स x। तो देखिए, इस प्रश्न को आप कैसे हल कर सकते हैं। आप यहां पर ये देखिए कि बाएं पक्ष में आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस x लिखा हुआ है अपॉन 1 प्लस x लिखा हुआ है और दाएं पक्ष में 1 बटे 2 लिखा हुआ है। तो अब ये देखेंगे आप कि मैं इसे tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये होता था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के बराबर। तो अगर आप बाएं पक्ष से इसे को कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले को, तो आपको पता लग रहा है कि x का मान 1 कर दूं और y का मान मैं x रख दूं, तो ये मेरे पास वही फॉर्मूला बन रहा है। तो बाएं पक्ष को यहां पर मैं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, तो ये अपने पास हो गया है 1 बटे 2 tan इनवर्स x, ये मेरे पास दाएं पक्ष हो गया है और ये मैंने बाएं पक्ष लिख दिया। अब देखिए, इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, tan इनवर्स 1 ये अपने पास पाई बटे 4 आएगा, क्योंकि अब मेरे को tan इनवर्स 1 निकालना है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, हम काफी बार कर चुके हैं, ये पाई बटे 4 आ गया। तो अब ये देखेंगे, यहां पर ये अपने पास 3 बटे 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, इसको मैंने दाई तरफ पक्षांतर कर दिया है, तो ये अपने पास 3 बटे 2 tan इनवर्स x हो गया। अब आप यहां पर देखिए कि इस 2 से मैं 4 को 2 बार कैंसिल कर सकता हूं, तो अपने पास पाई बटे 6 बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, और अगर मैं दोनों तरफ 10 लूंगा तो मेरे पास बचेगा 10 पाई बटे 6 बराबर 10 tan इनवर्स x। तो अभी यहां से देखिए
यहाँ 10 है और यहाँ 10 इनवर्स है। तो आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि 10 ऑफ 10 इनवर्स x बराबर x होता है बिना किसी शर्त के, अर्थात कोई भी कंडीशन ना लगी हो और आपको ये दे दिया जाए तो ध्यान रखें इसका मान हमेशा x के बराबर होता है। तो आपको यहाँ से ये पता लग गया कि x का मान 10 पाई बटे 6 होगा, अर्थात 10 30 डिग्री बोल सकता हूँ, और 10 30 डिग्री या 10 पाई बटे 6 एक बटे अंडर रूट 3 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर x का मान अपने पास एक बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा।